जो कम से कम बजट है वो आपका मिनिमम 1 लाख होना चाहिए। एक माह में आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपए इजीली इसमें सेकंड हैंड मोबाइल में कमा सकते हैं। आप हमेशा इसके लिए जो कस्टमर को रेट लगा रहे हैं वो आप 25,000 का मोबाइल उसे आप 22,000 का रेट कहेंगे तो वो कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता आपको 25,000 तक ले जाएगा। उसके लिए मेन चीज ये है कि आप मोबाइल का सबसे पहले चेक करें कि मोबाइल का जो IMEI नंबर है वो डिब्बे के साथ मैच कर रहा है, जो पैनल इसके ऊपर LCD का पैनल लगा हुआ है वो ओरिजिनल है या चेंज है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि इसका पैनल ओरिजिनल है चेंज है? अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद, मैं हूं वकास, आप बिजनेस स्कूल देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं नेशनल मोबाइल फैसलाबाद में, मेरे साथ कैसर भाई मौजूद हैं। ये आज हमें बताएंगे कि अगर आप सेकंड हैंड मोबाइल्स का खरीदो फरोख्त का कारोबार करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना है कि आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े, आपको कानूनी पेचीदगियों में ना पड़ना पड़े, और कितनी इन्वेस्टमेंट से आप ये काम शुरू कर सकते हैं, ये हम जानेंगे कैसर भाई से। कैसर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपना हमें कीमती टाइम दिया और आप आए यहाँ पे। तो सेकंड हैंड मोबाइल के लिए जो बेसिकली चीज़ है वो है कि मोबाइल जो है ना वो चोरी का ना होना चाहिए। ठीक है, जो इसमें मेन चीज़ ये है कि मोबाइल जो है आप ले रहे हैं उसमें चोरीशुदा मोबाइल होगा तो उसके लिए आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हुकूमत पंजाब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने और फैसलाबाद पुलिस ने एक ऐप मुतारफ करवाई है जिसका नाम है ई गैजेट। आप उस पर कोई भी बंदा आपको मोबाइल सेल करने आ रहा है चाहे उसका बॉक्स है या नहीं है, आप वो मोबाइल की एप्लीकेशन ऑन करें, उस पर आप जो है वो अपना डाटा उस बंदे का डालें, उसका ID कार्ड नंबर, मोबाइल का IMEI नंबर वो मोबाइल एप्लीकेशन मांगती है, तो वो अगर आप डालेंगे, मोबाइल अगर चोरी का हुआ तो उसी टाइम तकरीबन मैक्सिमम जो हमें टाइम मिलता है 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड के अंदर अंदर पुलिस आपको कॉल करेगी। अच्छा। कॉल करके वो आप देगी कि आपने इस बंदे को यहाँ पे रोक के रखना है, आपने इस बंदे को जाने नहीं देना यहाँ से। अच्छा। ठीक हो गया, मेन जो मसला है वो सिर्फ यही है कि आपने इस बंदे को रोक के रखना है, आप उसको अपनी बातों में रखें, उसे ये ना बताएं कि भैया आपका मोबाइल चोरी का निकल आया। अगर आप चोरी का बता देंगे वो बंदा क्या करेगा, भाग जाएगा यहाँ से। आप उसे ये करें भाई पेमेंट मैं निकाल रहा हूँ या पेमेंट मेरी निकल रही है, या सिर्फ आप 5 मिनट यहाँ पे ना जरा वेट कर ले तो मैं ना आपको भी पेमेंट देता हूँ, जब पुलिस आ जाएगी पुलिस में आपका क्या काम होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर आप ई गैजेट उसका नहीं करते और मोबाइल वो चोरी का है, आप पकड़े जाते हैं, उसमें क्या होगा, एक तो आपको थाने कचहरी में जलालत का सामना होगा, दूसरा क्या है कि जो आपने उस बंदे को पैसे दे दिए हुए हैं वो आपके पैसे जाया हो गए हैं, तीसरा जो मोबाइल आपके पास है वो पुलिस जब्त कर लेगी, उसके ऊपर आपके ऊपर FIR चोरी के मोबाइल की होगी, वो आपके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज है। अब हम आते हैं कि ये मोबाइल स्टार जो बिजनेस हमने करना है कितने, मतलब हमारे पास कितनी इसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जो सेकंड हैंड मोबाइल का काम है वो तकरीबन हम मैक्सिमम हमारे पास अगर 1 लाख 2 लाख रुपया है तो हम इसका जो कारोबार है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें आपने जब मोबाइल परचेज करना है, एक तो हमने बात कर ली चोरीशुदा मोबाइल की, दूसरी बात अब हमारी आती है कि मोबाइल को हमने चेक किस तरीके से करना है कि मोबाइल ये ठीक है या नहीं है। उसके लिए मेन चीज ये है कि आप मोबाइल का सबसे पहले चेक करें कि मोबाइल का जो IMEI नंबर है वो डिब्बे के साथ मैच कर रहा है, अगर वो मैच कर रहा है तो ओके है। दूसरा आपने इसमें चेक करना है कि इसका जो पैनल इसके ऊपर LCD का पैनल लगा हुआ है वो ओरिजिनल है या चेंज है। अगर तो वो ओरिजिनल है, उसका माइक वगैरह ओरिजिनल है, फोन रिपेयर नहीं हुआ, फोन अच्छा है, तो फिर आप उसका जो रेट है वो मार्केट लिहाज से अगर 10,000 का तो आप उसका 8,000 कस्टमर से स्टार्ट करें। अगर आप कस्टमर को 10,000 का, कस्टमर की माइंड होती है कि यार मेरा रेट थोड़ा सा बढ़ के आना चाहिए, आप हमेशा इसके लिए जो कस्टमर को रेट लगा रहे हैं वो आप 25,000 का मोबाइल उसे आप 22,000 का रेट कहेंगे तो वो कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता आपको 25,000 तक ले जाएगा। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि इसका पैनल ओरिजिनल है चेंज है? इसमें जो अच्छा सवाल है आपका भाईजान, इसमें जो चीज होती है वो ये है कि आप जब मोबाइल का पैनल चेक करते हैं साइडों पे ना, ये जो ओरिजिनल है अगर आप दिखा सकें अपने कस्टमर को, ये जो है ना इसके ऊपर कोई गम वगैरह नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, ये जो मेरे मोबाइल का पैनल है इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इस वक्त जो पैनल है ये ओरिजिनल है, इसके साइडों पे कोई गम वगैरह आपको नजर नहीं आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि मेरे मोबाइल का जो पैनल है ये बिल्कुल कंपनी फिटिंग से आया हुआ है, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है। ठीक है, हाँ अगर इसमें ये चेंजिंग होगी तो क्या होगा, साइडों पे गम वगैरह वाजे नजर आ रही होगी, और दूसरा LCD का जो कलर है वो भी चेंज होगा, वो जो डेल कलर इसमें होगा व्हाइट कलर नहीं LCD होगी, इसकी जो कलर है वो येलो टाइप का हो जाएगा। दूसरा जो मोबाइल की एक्सेसरी मेन चीज है उसके साथ आप उसका सबसे पहले चार्जर चेक करेंगे ओरिजिनल है या नॉन जेन्युइन है, अगर उसका चार्जर जेन्युइन है तो सबसे बेटर है कि आप उसका जो चार्जर अच्छा रखें। ठीक है, क्योंकि कस्टमर ने जब भी मोबाइल परचेज करना है उसने ये पूछना था भाई इसके साथ जो एक्सेसरी है
ओरिजिनल है या एक्सेसरी ओरिजिनल नहीं है। अगर एक्सेसरी आप ओरिजिनल परचेज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको जो रेट है वो अच्छा लगेगा। कसर भाई, कम से कम बजट में एक नया बंदा कैसे स्टार्ट ले सकता है, कुछ टिप्स दे दें। जी, कम से जो कम से कम बजट है वो आपका मिनिमम 1 लाख होना चाहिए। ठीक है, उसमें ये है कि आप जो मोबाइल है आप ज्यादा हैवी मोबाइल ना लें, मतलब जो आपकी रेंज है वो मैक्सिमम मोबाइल की हो 20,000-22,000। आपने जो 4 से 5 मोबाइल आप इस रेंज में इजिली इकट्ठे कर सकते हैं कि आपके पास 20,000 या 5 मोबाइल रखें तो आप वो 20,000 वाले मोबाइल, जो मेरा ख्याल अगर आप 1 माह उनमें अच्छे तरीके से आप कारोबार करते हैं वो जो आपका 1 लाख है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका वो 50,000 वो आपके 5 मोबाइल लेके आएंगे। मतलब 1 लाख को आप 1.5 लाख रुपए, 1 माह में आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपए इजिली इसमें सेकंड हैंड मोबाइल में कमा सकते हैं। अब जिस तरह आपके सामने मुल्क के हालात है, ये बॉक्स पैक मोबाइल है, कंपनी ने इन पे ड्यूटी इतनी वगैरह हुकूमत ने कर दी हुई है कि जिसकी वजह से मतलब इनमें कस्टमर इसका आता ही नहीं है इस तरफ। देखो ये मोबाइल है 232 में इसका रेट है, ये वाला 232 कंपनी दे रही है 25,000 का। अगर आप वही यूज मोबाइल की तरफ जाते हैं तो वो आपको यूज मोबाइल आपको तकरीबन 22-23,000 का 4/64 में अच्छे वाला मोबाइल आपको इस वक्त मिल रहा है। ठीक है, एक नया बंदा है कैसे कैलकुलेट करे कि मैं तकरीबन इस पर इतना प्रॉफिट रखूँ तो मेरा अच्छा दिख जाएगा? ये जो सारी होती है वो कस्टमर के माइंड को चेक करने की गेम है। जो एक दुकानदार होता है उसकी सबसे पहले वो कोशिश है वो ये होनी चाहिए कि उसने अपने कस्टमर का बजट चेक करना है कि यार इस बंदे ने जो बजट के अंदर लेना है इसका बजट कितना है मोबाइल का। अगर एक कस्टमर आया तो यार भाई मुझे आप 22,000 तक मोबाइल दिखाएं, मेरी रेंज 22,000 की है, आपने उस बंदे को 22,000 वाला मोबाइल नहीं दिखाना, आपने उसको जो मोबाइल है वो 16-17,000 वाला दिखाना है। आप उसे 16-17,000 वाला मोबाइल दिखाएंगे तो आप फिर ही वो बचत करके उस बंदे को वो जो 16-17,000 वाला मोबाइल है वो 18-19,000 का इसलिए दे सकेंगे। उसमें क्या होगा कि वो बंदा कहेगा यार वाकई इस दुकानदार ने जो है ना मेरा 3,000 की बचत भी करवा दी है और इसने जो मोबाइल है मुझे मोबाइल भी अच्छा दे दिया होगा। बिल्कुल ठीक है। कैसर भाई ने कुछ बहुत ही अंदर की टिप्स आपको बताई हैं जो कि अमूमन दुकानदार नहीं बताते। कैसर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत कीमती बातों से हमें आगाह किया कि इस तरह से आप अपना सेकेंड हैंड मोबाइल का कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप अगर कैसर भाई के पास आना चाहें तो नेशनल मोबाइल्स जड़ावाला रोड फैसलाबाद में इनकी शॉप है, आप इनके पास तशरीफ ला सकते हैं, सेकेंड हैंड मोबाइल्स इनसे खरीद सकते हैं, एक्सेसरीज खरीद सकते हैं और इनसे मजीद रहनुमाई लेना चाहें तो इन्हीं के पास तशरीफ ले आइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।